ए यार कम लुक एट दिस। अब भैया हां ये क्या है? ये अरबी है। अरबी? तो ये इंडिया में क्या कर रही है? टूरिस्ट वीजा पे घूमने आई है। भैया ये क्या है? ये बंद गोभी है। बंद गोभी? तो ठीक है भैया इसे खोल के पैक कर दो। तो बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सभी भाई बहनों को जय भवानी जय शिवाजी। स्वागत है सभी का आज के ऐसे एक और नए चलचित्र में आपके अपने सनातनी चैनल द रॉक बाबा में। तो हमेशा की तरह कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिखकर ये भी बताइए कि मेरा कौन सा भाई बहन इस जगह से मेरा साथ दे रहा है, और नए भाई बहनों से और जो हमेशा वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप सभी से प्रार्थना है कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्योंकि अगर कोई इंसान आपके देश और धर्म से जुड़ा कार्य कर रहा है, विधर्मियों की गालियां खा रहा है, उनकी दुश्मनी ले रहा है और आपको उसका कार्य पसंद भी है, तो हर उस सनातनी का आपको साथ देना चाहिए। और आज का वीडियो हमारे बाकी वीडियोस से थोड़ा ज्यादा बड़ा भी होने वाला है, क्योंकि कुछ भाई बहन कहते हैं कि बड़ा वीडियोस बनाया कीजिए, लेकिन मैं इसीलिए नहीं बनाता क्योंकि 8 से 9 मिनट के वीडियो को ही लोग स्किप कर करके देखते हैं, तो ज्यादा लंबे वीडियोस को कितना स्किप करेंगे। लेकिन जब कुछ भाई बहन चाहते हैं बड़ा वीडियोस देखना तो उनके लिए मैं ये वीडियो थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार भी होने वाला है, ज्यादातर विपक्ष की बहुत अच्छी अच्छी फनी क्लिप्स होने वाली, तो जो भाई बहन स्किप करते रहते हैं आपसे प्रार्थना है स्किप मत कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आप लोगों की लिस्ट कहाँ है पवन जी? आप लोगों की तैयारी कहाँ पर है? जल्दी आएगी, इनको हारने की जल्दी होगी, इन्होंने जल्दी निकाल दी। हमें कोई जल्दी नहीं है जीतने की, हमें कोई जल्दी नहीं है जीतने की। As you know, we are great believers in Lord Ram, and Lord Ram ke kripa hai ki hamare parivar mein sab theek hai aur sab khushi aur sab mangal hai. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram, and I pray for all of you, your whole family, to always be happy. Ah, kya scene hai? Wah, kya scene hai? Abhi haliya mein maine dekha. असदुद्दीन अवैसी कहते हैं महाराष्ट्र मंच पे खड़े हो करके खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरफ पड़ रहा है कि अरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान आईपीएस नहीं है, अरे होगा कहाँ से? मदरसे में अनप टैक्स करवा रहे हो, मदरसे में 72 वर्जिन हूर का नशा दिलवा रहे हो, चार चार शादियां और लौंडी और बांदिया सिखा रहे हो, बचपन से जालीदार टोपी उटंगा पैजामा पहना करके एक ही काम एक ही बात सिखा रहे हो, तो ये पढ़ेंगे कब? ये पढ़ेंगे कब? बात तो सही है। मोदी जी, मोदी जी, आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं हमको ये नहीं पता, लेकिन हमको हमारी बात सुनते जाइए कि आप कह रहे हैं कि 266.50 रुपए के हमको बैग मिलेगा। सबसे पहले गलत बात तो ये है, 300 रुपए का अभी हम खरीद के लाए हैं। रुको जरा। और दूसरी बात क्या है, आप एक्चुअल कॉस्ट लिखे हैं 2016.78 रुपए जो बोरी का कॉस्ट है। फिर क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे रही है, कितनी? 1750.28 रुपए। वो कहाँ जा रही है मोदी जी? वो हमारे अकाउंट में तो आ नहीं रही है, किसके अकाउंट में जा रही हमें नहीं पता है। कौन है? कहाँ से आते हैं? मैं क्या बोलू, क्या बोलू मैं? नहीं, तुम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? इस वक्त मैं क्या बोल सकता हूँ? आप कौन हो? आप देश हो? अगर आप 73% हो तो आप देश के 73% हो, और क्या? अब क्या होता है, बीजेपी के लोग कहते हैं भारत माता की जय। सुना होगा आपने भारत माता की जय, है ना? तो ये भारत माता है क्या? आप ही हो ना? तो अगर मैं कह रहा हूं कि भैया अगर आप भारत माता की जय कर रहे हो तो 73% की जय क्यों नहीं कर रहे हो? 73% की जय करो ना। आप कहते हो भारत माता की जय, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी कहता हूँ भारत माता की जय। तो ये जो 73% लोग हैं, ये जो भारत माता के 73% है, इनको भी कुछ दे दो। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहते हो? राहुल गांधी कैसा लगता है? पता राहुल गांधी कौन है? मर चुका है वो। है? कौन? क्या क्या? राहुल गांधी? गांधी जी तो मर गए। गांधी जी नहीं बेटा, राहुल गांधी। अभी माधर चोत मोदी का भाई है। मोदी का भाई है मेरा भाई तू।
वही राहुल गांधी। राहुल गांधी, लेकिन वो तो मर चुका है, तू तो कह रहा जिंदा हो गया तो कैसे? उसे बचा लिया था ना। बचाया किसने? डॉक्टर सब ने बचा लिया था। अच्छा, गांजा गांजा। राहुल गांधी कौन है? गांधी जी का बेटा। जो 750 किसान मर गए, 750 किसानों की शहादत होगी, शहीद हो गए, शहीद हो गए। एक बंदे को तो मैं जानता हूँ, मुकेश नाम है, बहादुरगढ़ में दारू पी करके और गंदे नाले के अंदर स्लिप कर गया था। उसने इतनी पी ली थी कि वो इतना भी होश नहीं रखा था, वो नाले में गिर गया था। और जो डॉक्टर है, जो सिविल हॉस्पिटल की जिसका पोस्टमार्टम हुआ, उसका डॉक्टर को मेरा बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, उसने मेरे को पर्सनली बताया, उस बंदे ने ओवर उसके पोस्टमार्टम में दारू और डूबने के कारण से उसकी मौत हुई है। उस बंदे को भी इन्होंने 750 की लिस्ट में, शहीदों की लिस्ट में लिखा हुआ है। एक मिनट, एक मिनट, मांग देखिए कि सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए दे दो उस दारूबाज को। ऐसे तो नहीं होता है। दिल्ली के अंदर 3 साल के अंदर हमने 24 घंटे बिजली कर दी। केवल जब जब दूसरे राज्यों में जाता है तो एक बखान जरूर करता है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, ये उन दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। ये है दिल्ली की हकीकत। देखिए कैसे यहाँ पे 24 घंटे बिजली आ रही है, यहाँ पे लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। ऐसे ही हमेशा दिल्ली का आलम रहता है, बखान कुछ और करता है और हकीकत देखिए कुछ और ही है यहाँ पे। उसी तरह से पंजाब के अंदर बिजली ठीक की है। ये ज्यादा अच्छा है कि वो ज्यादा अच्छा है? ये उससे प्राइवेट, सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा है ना? वहाँ तो स्विमिंग पूल भी नहीं होगा, लॉन टेनिस भी नहीं होगा। यहाँ जो फैसिलिटीज है वो किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं है, पूरे पंजाब में। इंजीनियर हूँ IIT का। आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? मेरा सवाल का जवाब देखिए, देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों? इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया हम ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे तो बताइए? हम गए थे 1965 की लड़ाई में, वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी। कोई गया हो इसमें सेक्युलरिज्म का सूरमा किसी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे? हम बताता हूँ, 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसको 2001 में भारत रत्न मिला अटल जी की सरकार में। 50 साल तक सेक्युलर सियासत में नहीं मिला। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, हम फिर आपको साफ हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए अगर आप तेजी से आपको क्या लगता है, एक तो बहुविवाह पर, एक से ज्यादा शादी पर आपकी राय, और दूसरा क्या ये मुस्लिम विरोधी है? मैं आपकी एक बहुविवाह और छोटे बच्चों की शादी के बारे में बता दूं, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि आदम की औलाद तुम्हें जो औरतें पसंद हो उनसे तुम दो दो तीन तीन चार चार निकाह कर सकते हो। फिर अल्लाह ने कहा है बशर से कि उनके साथ एक सा मामला कर सको, अदलो इंसाफ कर सको, और फिर उसके बाद कहा कि ये नहीं कर सको तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि एक ही निकाह करो। कुमान कौन रहा है उसे? नहीं मान क्यों नहीं रहा, जितनी करनी है वो। ये देखिए, ये हमारे शहर का आम आदमी है, ये अपना पूरा दिन कैसे बिताता है देखिए। हम आपको नशा खत्म करके दिखाएंगे, 3 महीने में हम नशा खत्म कर देंगे। हाँ तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए बोलो? ऐसे काम शुरू की हमारे देश को जरूरत है, इसको सख्तता मिलनी चाहिए, सारे मिलकर काम। मेरी आप
स्टार्टिंग से वो यही करवाती आई है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा मोदी सरकार के पास आप एक पॉइंट बता दो कि मोदी सरकार ने ये पॉइंट किया है। रुको जरा, सबर करो। अब सुनिए मैम, कह रही है मोदी जी हिंदू मुस्लिम के अलावा और किए क्या? इस देश में पहले एम्स कितना था, आज कितना है? 15 एम्स बना मोदी जी के आने के बाद। पहले आईटी कॉलेज कितना था, अब कितना है? 16 से ज्यादा आईटी कॉलेज बना मोदी जी के आने के बाद। पहले क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज कितना था, अभी के टाइम में 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बना है। तो मोदी जी ने किया और कौन किया? जो महिला रात में खेत में जाके ये क्या बोलते वॉशरूम करती थी, आज की डेट में 14 करोड़ शौचालय बना इस देश में और उसमें ये भी जाती होंगी। और अभी के टाइम में जो लोग जो कहते हैं कि मोदी जी कुछ किए नहीं है, भाई आपके बाप दादा को सम्मान निधि योजना के तहत पैसा मिल रहा है, किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपकी माँ को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहा है, और आपकी दादा दादी को 3 महीना पहले पेंशन मिल रहा है। और तब आप अडानी का सिम यूज करके अंबानी का सिम यूज करके बोलते हैं मोदी चोर है। क्या चोरी कर? आप सुन लीजिए आंसर सुन लीजिए मैम। आप थोड़ा सोनिया गांधी कर दी होंगी। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize. आप फोन कोई चोरी करके ले जाएगा और आप रोते रह जाएंगे। आप हिंदू है? हाँ, हिंदू के लिए गिफ्ट दे रहा, लेंगे क्या? हाँ, इस कहाँ से जानते हैं? साथी, सनातनी साथी, आप लेंगे? मैं तो हिंदुओं के लिए दे रहा हूँ ये सनातनी स्कार्फ। किसी को हम हिंदुओं को बांटते हैं, बहन बेटियों को मतलब समझाते हैं कि कोई किसी मुस्लिम से दोस्ती ना करें। आप तो देखा होगा सिर्फ दर्द ऐसी लड़कियों के, तो कोई कटुआ आपको दोस्त तो नहीं है ना? आपको भी नहीं ना? गुड, थैंक यू। मेरी बहन जैसी हो ठीक है, ओके। आप ये डाल लीजिए अपने गले में, ऐसे सोशल वर्कर भी हूँ। अरे अब्दुल, दूरबीन से क्या देख रहा है? भाई मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी के अच्छे दिन कहाँ तक पहुँचे हैं। ला मैं देखता हूँ। अयोध्या पार कर चुकी है और काशी मथुरा पहुँचने वाली है। जब बेइज्जती मौलाना वीडियो में बोल रहा है फेसबुक पे कि आप इस्लाम के लिए जान दो आपको ऊपर 72 वर्जन मिलेंगे, आप इस्लाम के लिए जान दो आपको ऊपर 72 वर्जन मिलेंगे। मैंने 3 बार वीडियो देखी, मेरा मन कर गया। मैं तो उनकी टीम में भी नहीं हूँ, इंसेंटिव इतना बढ़िया दिया है ना भाई। और ये ना ये मौलाना वगैरह वीडियो में खेल लेते हैं, ये ना लूपहोल में खेल लेते हैं, क्योंकि बार बार बोलते रहते हैं कि आपको ऊपर 72 वर्जन मिलेंगे, आपको ऊपर 72 वर्जन मिलेंगे, पर वो कभी ये नहीं बताते कि वो गर्ल्स होंगे या बॉयज। आपको सोचो अब्दुल गट काफी नहीं कटेगा अगर उसने 8 साल मिशन की तैयारी की, छाती पे बॉम्ब लगाया और वो फट गया, और वो ऊपर जा रहा है और वो देख रहे हैं कि भाई 15,000 और अब्दुल खड़े हुए हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको भी मजा आया होगा, कुछ ज्ञानवर्धक सीखने को भी मिला होगा। कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा पार्ट पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने सनातनी भाई बहनों के साथ, और कुछ सेक्युलर लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। चलते चलते मेरे साथ बोलिए, दुनिया में एकमात्र धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। जंग लड़ी जाती है जीतने के लिए, जीत हासिल करते हैं इतिहास के लिए। हिस्ट्री ऑलवेज विंस, एंड समवेयर हिडन इन दोज पेजेस ऑफ हिस्ट्री इज द बिगेस्ट केप्ट सीक्रेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया।